اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله واللعنة الله على اعدائه اجمعين من الجن والانس من الاولين والاخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم عجل لوليك الفرج Respected brothers and sisters, السلام عليكم ورحمه الله Thank you very much for joining अलमा को जानो की इस सीरीज के आज के एपिसोड में जिस आलम दीन के बारे में हम जानने जा रहे हैं उनका नाम है अल्लामा अमीनी अल्लामा अमीनी का नाम था शेख अब्दुल हुसैन और इनकी विलादत 1320 हिजरी तबरीज नाम के एरिया जो ईरान में है वहां हुई थी अल्लामा अमीनी के जो दादा थे वो जो है उनको गार्डियन ऑफ द लॉ का टाइटल दिया गया था और इनका नाम था मौला नजफ अली और अलामा अमीनी के फादर थे हजतलास्लाम मिर्जा अहमद अमीनी जिनकी वफात 1950 में हुई थी और ये भी अपने इलाके के बहुत बड़े फकीर थे बहुत बड़े आलिम थे अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अलामा अमीनी जो है जो बेसिक एजुकेशन थी वो कंप्लीट करने के बाद वो नजफ़ आए और नजफ़ में वो जो है कई सारे हाई रैंकिंग के अंडर पढ़े और जल्द ही उन्हें जो है इजतहाद का सर्टिफिकेट मिल गया वो इजतहाद के लेवल पर पहुंच गए और इनको इजतहाद का सर्टिफिकेट देने वाले में कई बड़े नाम हैं जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन नाइनी अल्हमा शेख अब्दुल करीम अब्दुलकरीम हायरीरमा और शेख मोहम्मद हुसैन कोम्बानी अल्हमा अपनी स्टडीज़ अपने इज्तिहाद के लेवल को कम्प्लीट करने के बाद नजफ़ से फिर वह तबरीज आ गए और तबरीज़ आने के बाद जो है उन्होंने देखा कि वो लोकली वो काफ़ी सारे जो है लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उनके फादर लोकल आलिम काफ़ी हाई रैंकिंग थे बट उन्हें जो है नजफ़ एटमोसफियर उन्हें बड़ा पसंद था इसीलिए फिर वो जो है वापिस आ गए और उन्होंने किताब किताबें लिखना शुरू की उनको बहुत इंटरेस्ट था विलायत अहलब और उससे रिलेटेड चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए सो उन्होंने उनकी पहली किताब शोहदा अलफजीला जो है या सोहदा अलफजीला को पब्लिश किया नजफ में 1936 में 1355 हिजरी होता है और ये किताब को बहुत पॉपुलैरिटी मिली और 35 फाइव ईयर्स की एज में इन्हें अमामा के टाइटल से जाना जाने लगा इसके बाद लेकिन इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसने उनकी जिंदगी के 40 साल यूज किए मगर ये किताब ऐसी मोतबर किताब निकली ऐसी बेस्ट किताब निकली कि इनकी वजह से इनकी इनकी खुद की पॉपुलैरिटी बहुत हुई और इनके बारे में जो है बहुत सारी स्टोरीज भी इसी किताब की वजह से बनी इन्होंने जो किताब लिखी उस किताब का नाम है अल अलदीर और इस किताब में अल्लामा अमीनी रहमा ने न सिर्फ़ शिया मसल की बल्कि जितनी अहदी से शीह और सुन्नी और जहाँ जहाँ पॉसिबल है हर एक मसल की किताबों से इस किताब में उन्होंने जमा किए ताकि हर मुसलमान जो है उसे ये प्रूव हो जाए कि विलायत अमीर अलीबन अबी तलबा इम्पॉटेंट है So, विलायत के स्टैंड के लिए उन्होंने अगर कोई शख्स अलगदीर को पढ़े जो अहले सुन्नत में से है या जो दूसरे मसलक में से है तो वो उसे ये यकीन हो जाएगा कि अमीर अली अभी तालिब जो है, वो के सच्चे वसी थे इतना मुतबर उन्होंने काम किया है और इनकी जो पहली टोटल ट्वेंटी वॉल्यूम्स बनी है अलगदीर की पहली नौ जो है अप्रॉक्सिमेटली नजफ़ में छपी थी और फिर 1952 में जो है नए एडिशन में जो है बाकी की 11 पहली 11 वॉल्यूम्स छपी और उसके बाद धीरे धीरे कंप्लीट किताब छपते गए और टोटल 20 वॉल्यूम्स अल ट्वेंटीर की मामी ने, ने आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी किताब उन्होंने लिखी और कितना सारा उन्होंने मजुआ जमा किया फोर्टी ईयर्स तक वो जमा करते हुए और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह से जमा किया वो कई जगहों पर ट्रैवल करते थे ईरान इराक अरब के कई कंट्रीज में वो गए यहां तक कि वो इंडिया भी आए थे और उन्होंने जो है इस किताब को चालीस साल की मेहनत के बाद उन्होंने जमा किया इनके बारे में एक स्टोरी जो है बताई जाती है कि अलामा अमीनी को पैर में थोड़ी सी तकलीफ थी और वो जो है दुआ करते थे अमीर उल्मीन के हरम में कि मौला प्लीज मुझे शफा दीजिए शफा दीजिए इतना बड़ा उन्होंने लिख दिया था अलदीर लिखी थी अचानक उन्होंने देखा कि एक दिन वो हरम अमीर उलमिन में बैठे थे और एक एक शख्स आया जो इतना हाई रैंकिंग लेवल नॉलेज का नहीं दिख रहा था और उसने आके कहा ए अमीर उलमोमिन मेरा पैर जो है आ, उसमें प्रॉब्लम है ठीक कर दो सुबह तक नहीं तो मैं तुम्हें नहीं मानूंगा अब अचानक सुबह हुए और अल्लाह मामिनी ने देखा कि इसका पैर जो है ठीक हो गया अल्लाह ने सोच रहे कि यार मैंने इतनी मेहनत की है मैंने इतनी विलायत के काम किए हैं और ये सब अफकोर्स किसी अजर के लिए मतलब उन्होंने अहलबैत की मोहब्बत में लिखी थी लेकिन वो सोच रहे थे कि यार मैंने इतना का काम किया है मैं इतने और ये जो है शख्स जो, तो, जो है जो है कुछ कहते कि शायद अमीर उलमोमिन उनके ख्वाब में आया ऐसा हुआ एमा तुम जो है हमारे चाहने वाले हो हमारी मोहब्बत में हो और हम जो है ये टेस्ट है, बट ये जो है अगर इसका पैर ठीक नहीं होता तो ये शायद सही राह से भटक जाता तो आप इमेजिन कर सकते हैं अलाम अमिनी का लेवल क्या था साथ साथ अलाम अमिनी के बारे में एक और स्टोरी है कि जब इनकी रहलत के बाद इनकी ये जो है किसी के ख्वाब में आया और उन्होंने देखा कि इतना जो है आलीशान बंगला और ये सब अल्लाह अमिनी को मिला हुआ है तो जिस जो शख्स ख्वाब देख रहा था उसने पूछा कि क्या ये आपको आपकी किताब अलगदीर की वजह से मिला है तो उन्होंने कहा नहीं ये मुझे इस वजह से मिला है क्योंकि मैं रोज़ ज़्यारत आशूरा की तिलावत करता था अल्लाह अमीनी चालीस साल बीस वॉल्यूम में अलदीर लिखी इतना बड़ा काम किया लेकिन उनको जन्नत में जो स्वभाव मिल रहा था वो किस वजह से क्योंकि वो रोज़ ज़्यारत आशूरा की तिलावत करते थे आखिरकार थर्टीन एटी एट इज़ इंग्लिश अप्रोक्सी नाइनटीन सिक्सटी एट में जो है वो जब तेहराना एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और उनकी तबीयत खराब होती गई और तीस रबीसानी 1390 हिजरी यानी थर्ड जुलाई 1970 को उन कुछ उनकी जो है रहलत हो गई उनकी वफात हो गई और उनकी बॉडी को नजफ़ अशरफ लाया गया और जिस लाइब्रेरी को उन्होंने जो है स्टार्ट किया था उसी लाइब्रेरी के पास जो उनको दफनाया गया इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे हमारे आखिरी एपिसोड में एक आखिरी आलम दिन की स्टोरी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मिनट्स एट अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर महम्मद वाल महमद اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم